Assalamu alaikum. I hope you guys are all doing well. Welcome to Buddy Game, which is an exclusive coverage of the HBL Pakistan Super League Season 6, brought to you exclusively by Brighto Paints. Yes, of course. अब मैं हूं आप लोगों की होस्ट बिस्मा, और इससे पहले कि मैं आप लोगों को और कोई बात बताऊं, आप लोगों से कुछ और HBL PSL सीजन 6 के बारे में डिस्कस करूं, मैं चाहती हूं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आखिर ये बड़ी गेम कैंपेन व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय ब्राइटो पेंट्स, आखिर ये है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बड़ी गेम? ये बड़ी गेम आखिर है क्या? तो जो ये बड़ी गेम कैंपेन है जिसको आप तक एक्सक्लूसिवली ब्राइटो पेंट्स लेकर आ रहा है, उसमें हम आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव कवरेज देंगे HBL PSL सीजन 6 की। हम HBL PSL के बहुत बड़े फैंस हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े फैंस हैं, पूरा साल इंतजार करते हैं कि कब PSL आएगी। और PSL आ गई है, कुछ चीजें डिफरेंट है इस PSL के बारे में थैंक्स टू द कोविड, लेकिन हमारी कोशिश ये है, ब्राइटो पेंट्स की कोशिश ये है कि आप लोगों तक सीधा एक्शन लेकर आ जाए टू योर ओन होम, सो यू गाइस कैन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टू योर ओन स्क्रीन्स। वी आर गोना ब्रिंग यू ऑल द एक्शन। अभी बड़ी गेम का बड़ा एक्शन आखिर होने क्या वाला है? वी हैव अ कैंपेन दैट इज लाइंड अप फॉर यू गाइस, जिसमें होने वाले हैं मैच प्रीव्यूज, मैच रिव्यूज, कॉम्पिटिशंस, इंटरव्यूज, एक्सक्लूसिव कवरेज, बिहाइंड द सीन्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इट्स अ मिक्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स। आप लोगों को महसूस नहीं होना चाहिए ना कि कुछ अलग है इस पीजे पीएसएल, हम जा नहीं पा रहे हैं, स्टेडियम्स में क्राउड बहुत कम अलाउड है। You want you guys to feel as if it's a normal PSL. We want you guys to enjoy PSL as much as possible, but from the comfort of your very own homes. Why? Because your health, your safety is our priority. Thank you so much, Brighto Paints, for having this great, great campaign. मतलब अगर मैं cricket fan तो मैं obviously हूँ ही, लेकिन अगर इस तरह का campaign मुझे देखने को मिले जहाँ पे आपको एक brand के जरिए सारा live action देखने को मिल रहा है, रिव्यूज मिल रहे हैं, मैच रिव्यूज मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू आप स्टेडियम तक पहुंच रहे, तो फिर आपको और क्या चाहिए? बहुत कुछ अलग है इस HBL PSL के सीजन के बारे में, विच इज द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द HBL पाकिस्तान सुपर लीग। रूल्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि थोड़े से अलग है बिकॉज ऑफ द कोविड, क्राउड अटेंडेंस बहुत ज्यादा लिमिटेड नंबर में होने वाली है, ओपनिंग सेरेमनी भी अलग होने वाली है, काफी नए नए नाम है कुछ क्रिकेटर्स के, विच इज समथिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। पहली बार हम लोग खेलते हुए देखेंगे राशिद खान को from Afghanistan. He's one of the best players when it comes to the limited overs format, when it comes to T20 internationals or T20s format, to usse bahut zyada excited hu. Saath hi saath Mujibur Rahman bhi hame dekhne ko milenge, matlab he was a net bowler for Peshawar Zalmi, what a great success story there we have of Mujib, aur Mohammad Nabi bhi hum dekhenge khelte hue, unko dekhne ke liye bhi main kafi zyada excited hu. Aap sabse zyada is season mein kaun se player ko dekhne ke liye excited hain, is comments mein aap bata sakte hain. Which player in particular are you guys extremely excited to watch? And which team are you guys rooting for? मतलब मेरी जो teams है ना वो change करती रहती है, कभी मैं Karachi Kings की supporter हो जाती हूँ, कभी मैं Quetta को support करती हूँ, Peshawar Zalmi को support करती हूँ। तो great thing about Pakistan Super League is that all the teams feel like they're our own teams. So कभी इस तरह ज़्यादा अफसोस नहीं होता कि यार ये team ऐसा क्यों perform कर रही है, what's going on, why are we always losing? तो बट फिर भी obviously rivalries are good, rivalries are fun. आप लोग कौन कौन से teams को support करें मुझे बताएं। I do have your comments also right here. तो आप लोग comments के जरिए हमें बता सकते हैं, सारा कुछ अपना feedback दे सकते हैं, अपने किस team को support करें ये बता सकते हैं, कौन से player को देखने के लिए सबसे ज्यादा excited है ये बता सकते हैं। बड़ी गेम का कैंपेन आपको Brighto Paints presents बड़ी गेम की कैंपेन कैसा लग रहा है, नाम कैसा लगा है आपको? गुलाम मुस्तफा अस्सलाम वालेकुम, उमर खान अस्सलाम वालेकुम, शौर्या चौहान हेलो गोइंग आउट टू यू, जिंजर स्पोर्ट्स विद शोएब हेलो, ही सपोर्टिंग लाहौर, लाहौर कलंदर्स के फैंस कहाँ पे हैं जरा खुद ही आ जाए और बता दें। लास्ट सीजन जो फाइनल हुआ था वो हुआ था लाहौर और कराची का, बड़ा ही एंटिसिपेटेड एक फाइनल था, बड़े दो टीम्स खेल रहे थे, लाहौर और कराची की राइवलरी तो आप लोगों को पता है, एक मशहूर राइवलरी है ही। अनफॉर्चुनेटली लाहौर ने आके थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया हमें फाइनल में, और मैच और टाइटल HBL PSL 5 का नाम कर लिया अपने कराची किंग्स की टीम ने, वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं इस साल। तो क्रिस मॉरिस के घर पार्टी हो रही है, बाबर आजम उमर खान सबसे ज्यादा एक्साइटेड है बाबर आजम को देखने के लिए, इंक्लूडिंग मी, आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू बी वॉचिंग बाबर आजम प्ले। सो यू गाइस कैन प्लीज कॉमेंट एंड लेट अस नो
आप लोगों के कमेंट्स भी हम इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे. बड़ी गेम का जो ट्रांसमिशन है ये रोज होगा. आप लोगों के साथ मैचेस डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स टेबल डिस्कस करेंगे, टीम कॉम्बिनेशंस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ गेस्ट क्रिकेटर्स को या एनालिस्ट्स को इनवाइट करेंगे, आप लोगों को इनवाइट करेंगे. आप लोगों के बगैर तो कैंपेन अधूरी है ना. सो वी आर गोना ट्राई एंड मेक दिस कैंपेन एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल. एंड अलोंग विद दैट व्हाट वी आल्सो गोइंग टू डू इज वी आर गोना गिव यू गाइस एन अपॉर्चुनिटी टू विन ग्रेट गिफ्ट्स, एक्साइटिंग गिफ्ट्स. ये मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, मजा आने वाला है इंशाल्लाह. अच्छा, अब प्लेयर्स भी नए आ गए, नया एरा, नए रूल्स, नए फेसेस, एक नई किस्म की ओपनिंग सेरेमनी. लेट्स टॉक ब्रीफली अबाउट द ओपनिंग सेरेमनी, बड़े गेम की बड़ी ओपनिंग सेरेमनी. अब जो ओपनिंग सेरेमनी है ना, उसके इर्द गिर्द काफी सारी मिस्ट्री सी उसको मतलब सराउंड की हुई है. कहाँ हो रही है ये ओपनिंग सेरेमनी? हमने सुना ये कि नसीबोलाल, आयमा बेग एंड यंग स्टनर्स, दे वेंट टू टर्की. अब टर्की में क्या ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी, टर्की में कुछ रिकॉर्डिंग्स होने वाले थे, हमें नहीं पता चला. काफी सारे न्यूज चैनल्स ने भी कोशिश की. वसीम खान केम फॉरवर्ड फ्रॉम द पीसीबी एंड ही सेड यस, एक्चुअली टर्की में प्रोडक्शन करने के पीछे रीजन है कि वी वॉन्ट द प्रोडक्शन टू बी ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स, ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. और अब क्योंकि कोविड है, टेक्निकल टीम्स को यहाँ फ्लाई करना, यहाँ पे रखना बायोसिक्योर बबल के अंडर, और मेक श्योर करना, इस चीज को इंश्योर करना कि कोई भी प्लेयर्स या कोई भी सपोर्ट स्टाफ मतलब किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो जाने वाला था. और आल्सो वी वांटेड टू गिव इट अ डिफरेंट फील. तो होने क्या वाला है आज पता चलेगा, लेकिन जहां तक हम लोगों को अंदाजा हुआ, जो हमारे इनसाइड सोर्सेज हैं, उन्होंने हमें ये बताया है कि आज आप देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं a recording of the opening ceremony. तो जो artists ने PSL season 6 का anthem गाया है, नसीबो मैम, आयमा एंड यंग स्टैंडर्स, उन्होंने performance दी है. वो performance हमें देखने को मिलेगी. टर्की में वो रिकॉर्ड हुई, तो आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. उन्होंने लोग एग्जैक्टली हुआ क्या है, आप लोग कितने ज्यादा ओपनिंग सेरेमनी को लेकर एक्साइटेड है, डिफरेंट किस्म की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, ये मुझे बताएं. ओपनिंग सेरेमनी के बारे में आप लोगों को क्या चीज पसंद है? आई एम अ बिग फैन ऑफ द फायरवर्क्स डिस्प्ले. मैं हमेशा इंतजार करती हूँ इस तरह के इवेंट्स में, कब फायरवर्क्स डिस्प्ले होगा, मैं कब वीडियो बनाऊंगी, मैं कब उनको एंजॉय करूंगी. आप लोगों को क्या चीज पसंद है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. हाँ, जुबैर चौहान, मोहम्मद अनस, आर देयर एनी गिफ्ट्स फॉर द फैंस ऑफ ब्राइडल पेंट्स? यस मोहम्मद अनस, नॉट एनी, वी हैव लोड्स एंड लोड्स एंड लोड्स एंड लोड्स ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू गाइस, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स. कॉम्पिटिशन होने वाला है जिसके बारे में मैं आप लोगों को कल बताऊंगी. बड़ा सवाल होने वाला है आप लोगों को, हम टेस्ट करने वाले हैं कि कितने बड़े फैंस हैं आखिर आप लोग एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग के. ठीक जवाब, सही जवाब देने वालों को सरप्राइज गिफ्ट्स मिलेंगे. तो यस, द क्वेश्चन, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज मोस्ट डेफिनेटली ब्राइडल पेंट्स इज गोइंग टू बी रिवॉर्डिंग यू गाइज इन मोर वेज देन यू गाइज कैन इमेजिन. कितने लकी फैंस हो यार आप लोग. अच्छा जी, बड़ी ओपनिंग सेरेमनी भी होगी. बड़ी ओपनिंग सेरेमनी का मैं आप लोगों को लाइनअप बता देती हूँ. आतिफ असलम के कौन मतलब कितने फैंस हैं, मैं तो आतिफ असलम की फैन हूँ और मैं काफी ज्यादा लुक फॉरवर्ड करी हूँ आतिफ असलम की परफॉर्मेंस को. साथ ही साथ इमरान खान, आयमा बेग, यंग स्टनर्स, नसीबोलाल एंड हुमायूं मलिक. हर साल हमें देखने को मिलता है कि जो एचबीएल पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी है ना, वो अच्छे से और अच्छे से और अच्छी होती जाती है. एंथम भी अच्छे से अच्छा होता रहता है. मुझे लास्ट सीजन का एंथम भी बहुत पसंद आया था, इस सीजन का भी मुझे अच्छा लगा है, और ओपनिंग सेरेमनी भी लास्ट सीजन की बहुत अच्छी थी, सीजन की भी इंटरेस्टिंग लग रही है. साउंड तो अभी तक काफी इंटरेस्टिंग कर रही है, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आप लोग ओपनिंग सेरेमनी की जितनी स्टार स्टडेड एक्ट है, इतने सारे परफॉर्मर्स आने वाले हैं, उसमें से कौन से एक पर्टिकुलर परफॉर्मर को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आप लोग मुझे बता सकते हैं? किसको देखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं? शौर्य वांट्स टू नो मेरी फेवरेट टीम कौन सी. शौर्य, मैंने आपको बताया मेरी फेवरेट टीम्स बहुत सारी हैं. वैसे मैं कराची किंग्स की सीजन 1 से सपोर्टर रही हूं और मैं खुश थी कि कराची लास्ट सीजन जीत भी गया, बट आई हैव बीन सपोर्टिंग डिफरेंट टीम्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द पीएसएल. पेशावर जर्मी की भी मैं फैन हूं, पेशावर जर्मी को भी सपोर्ट करती हूं, और लाहौर किरंदस भी को भी सपोर्ट करती हूं, तो बहुत ज्यादा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी मैं पसंद करती हूं. हे मोहम्मद अनस इज आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट वाचिंग आतिफ असलम, लाइक मी आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट वाचिंग आतिफ असलम. अच्छा, अब तो ये हो गई हमारी ओपनिंग सेरेमनी. देखते हैं आज ओपनिंग सेरेमनी में हमें एग्जैक्टली क्या क्या कुछ देखने को मिलता है. बात कर लेते हैं, थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं आज ओपनिंग मैच पे, विच इज गोइंग टू बी अ मैच बिटवीन डिफेंडिंग चैंपियंस कराची किंग्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स. दोनों ही टक्कर की टीम्स हैं, दोनों ही बड़ी टीम्स हैं, दोनों टीम्स ने अपने अपने नाम
टाइटल्स किए हुए हैं, बड़े बड़े नाम खेलते हैं दोनों टीम्स के लिए, मजे का मुकाबला होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफी मैं एंजॉय करती हूँ व्हेन कराची किंग्स एंड कोलकाता ग्लैडिएटर्स मीट। अब हेड टू हेड की अगर बात करें ना, हेड टू हेड इज अ थिंग यू गाइस, मैं हमेशा कहती हूँ कि हेड टू हेड डज नॉट रियली हैव अ मीनिंग, इट रियली डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे, द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन यू प्ले, द काइंड ऑफ टॉस यू विन इफ इट इज अ क्रूशियल टॉस, लेकिन हेड टू हेड इज अ थिंग यू गाइस। हेड टू हेड की अगर बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स आज से पहले 10 बार मिल चुके हैं और 10 में से 7 बार क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने नाम किया है मैच। तो क्वेटा डेफिनेटली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है कंपेयर टू द काउंटर पार्ट्स कराची किंग्स, जिन्होंने अगेंस्ट क्वेटा सिर्फ 3 ही गेम्स जीते हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया, हेड टू हेड का एज सच कोई मायने नहीं होता, उस दिन पर डिपेंड करता है आपका, उस दिन के गेम प्लान पर डिपेंड करता है और आप कैसा खेलते हो उस पर डिपेंड करता है। तो आज मेरी प्रेडिक्शन क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आज मोस्ट डेफिनेटली हमें मजे का एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल सकता है। अब कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर टीम की बात करें तो दोनों की टीम्स ही काफी ज्यादा अच्छी हैं। लेट्स बिगिन विद कराची। मैं आप लोगों को कराची का जैसा स्क्वाड बता देती हूँ। आमिर यामीन, अरशद इकबाल, बाबर आजम, कॉलिन इंग्रम, इमाद वसीम हु इज आल्सो कैप्टन ऑफ कराची किंग्स, मोहम्मद आमिर अ ग्रेट बॉलर, शर्जील खान, वकास मकसूद, चैडविक वॉल्टन, डैन क्रिश्चियन, दानिश अजीज, जो क्लार्क, मोहम्मद नबी, मोहम्मद इलियास, नूर अहमद, कैस अक्रम एंड जीशान मलिक, अ लॉट ऑफ गुड नेम्स, अ लॉट ऑफ इमर्जिंग बट वेरी प्रॉमिसिंग नेम्स, अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू बी प्लेइंग इन द पीएसएल फॉर द वेरी फर्स्ट सीजन। तो मजे का अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। मैं से किन को खिलाता है आज, क्या प्लेइंग 11 रहती है, वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। आप लोगों की अगर कोई आइडियल ऑप्टिमल प्लेइंग 11 है तो आप हमारे साथ वो भी शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे ये बताएं, इफ यू गाइस वांट टू गेस द प्लेइंग 11 ऑफ ईच ऑफ द टीम्स एवरी सिंगल डे अगेंस्ट, इफ यू वांट अस टू मेक लाइक अ कॉम्पिटिशन आउट ऑफ दिस, इट वुड बी इंटरेस्टिंग। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें, सरफराज अहमद कैप्टन, अनवर अली, आजम खान, बेन कटिंग, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, जाहिद महमूद, क्रिस गेल, द यूनिवर्स बॉस, डेल स्टेन, टॉम बैंटन, उस्मान खान शिनवारी, कैमरन डेलपोर्ट, कैस अहमद, अब्दुल नासिर, साइम अयूब, अर्श खान, उस्मान खान एंड फाफ डुप्लेसी। सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू गुड बिग नेम्स इन बोथ द टीम्स। दोनों ही टीम्स अच्छी हैं, दोनों ही टीम्स मतलब सक्सेसफुल रह चुकी हैं इन द पास्ट। और अगर हम अब सिर्फ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करें, लेट्स बिगिन विद कराची, तो मेरे ख्याल से कराची की बैटिंग काफी अच्छी है। बाबर आजम है, मतलब किसका फेवरेट बैट्समैन नहीं है बाबर आजम, मुझे ये बताएं। मैं ये नहीं पूछूंगा किसका फेवरेट है, मुझे ये बताएं किसका फेवरेट नहीं है बाबर आजम। वी आर ऑल अ फैन ऑफ बाबर आजम, आर्ट वी। बट एक जगह जो थोड़ी सी मुझे वीक लगती है ना कराची किंग्स की, वो है उनकी स्पिन बोलिंग डिपार्टमेंट। अग्री वी हैव इमाद वसीम कैप्टन है, इमाद वसीम साथ मोहम्मद नबी है, मोहम्मद नबी आपको लीग क्रिकेट खेलते हुए पूरी दुनिया में नजर आते हैं, हर बड़ी लीग का वो हिस्सा होते हैं, अपने कंट्री को अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी गुड ऑलराउंडर, वेरी गुड स्पिनर। बट ये जो दोनों बॉलर्स है ना, इमाद वसीम भी और मोहम्मद नबी भी, दे आर मोर ऑफ अ कंटेनिंग ऑप्शन, आते हैं जरा रन कंट्रोल कर लेते हैं, नॉट सो मच विकेट टेकिंग ऑप्शन। ये मेरा ख्याल है, आप लोगों का ख्याल इस बारे में क्या है मुझे आप लोग बताएं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जहां कराची किंग्स की बैटिंग अच्छी है, वहां शायद कहीं ना कहीं लैक करती है कराची किंग्स की बॉलिंग, स्पेशली इन द स्पिन डिपार्टमेंट। अब मोहम्मद आमिर है, जबरदस्त एक बॉलर है, वो पेस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे होंगे, इनको अगले एंड से कौन सपोर्ट करेगा, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। ठीक है, तो अब क्वेटा की बात कर लेते हैं। क्वेटा की टीम भी अच्छी है। कराची किंग्स के बारे में मुझे वैसे जरा आप लोग बताएं बिफोर आई मूव ऑन, कराची किंग्स के कौन से प्लेयर को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? आपको लगता है कि जो ये कराची किंग्स का प्लेयर है ना, ये सिंगल हैंडेडली इनको मैच जितवा सकता है, इस प्लेयर में ये क्लास है, इस ये एक ऐसा प्लेयर है जो हर टीम को अपने साइड पे चाहिए, आपके ख्याल से वो कौन है? जल्दी 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 से मुझे बताइए। जब तक आप लोग मुझे इस चीज का जवाब देते हैं, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना मूव ऑन एंड टॉक अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कौन कौन से लोग, आप लोगों में से कितने लोग क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैन है? क्वेटा की टीम भी काफी अच्छी है, लेकिन उनके पास भी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। जो उनकी ओपनिंग जोड़ी है, टॉम बैंटन एंड क्रिस गेल, मतलब दोनों कमाल के प्लेयर्स हैं, दोनों ही बहुत जबरदस्त अच्छे प्लेयर्स हैं, बट बोथ येट नीड टू क्लिक इन द पीएसएल। लेट्स होप कि अब आज हमें दोनों की तरफ से एक्सप्लोसिव पार्टनरशिप डेवलप होती हुई नजर आए, बड़े बड़े मजे मजे के छक्के चौके हमें देखने को मिले और दोनों की तरफ से एक अच्छी पार्टनरशिप पुट अप हो, ताकि जो मिडिल ऑर्डर है क्वेटा का, उस पर इतना ज्यादा बर्डन ना पड़े। मिडिल ऑर्डर में आपके पास सरफराज भी हैं, और कौन कौन है आपके पास? जी हाँ, आजम खान भी अच्छा, आपको पता है, बल्ला घुमा लेते हैं, अच्छे रन स्कोर कर लेते हैं। एंड यस, टुवर्ड्स द लोअर मिडिल वी हैव मोहम्मद नवाज एंड बेन कटिंग, दोनों अच्छे फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं।
हैवीली रिलाय करेगी टॉप ऑर्डर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम। उम्मीद की जा सकती है एटलीस्ट जितने भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैन है वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेटा का टॉप अच्छा परफॉर्म करे। और अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो जी हमारे पास यंगस्टर्स हैं, नसीम शाह मोहम्मद हसनैन हैं, दोनों ही अच्छे बॉलर्स हैं, सक्सेसफुल रहे हुए हैं पीएसएल में। देखते हैं कि क्वेटा के लिए आज क्या करते हैं, साथ ही साथ कैश भी हैं तो मजे की गेम हो सकती है। जीती तो ज्यादातर क्वेटा की साइड ही है जब ये दोनों टीम्स मिली है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन, आप लोग मुझे अपनी प्रिडिक्शन भी बताए ना, आप लोग तो मुझे मतलब बता ही नहीं रहे। आमिर 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 जुबेर चौहान कहते हैं, जुबेर चौहान लगता है मोहम्मद आमिर के बहुत बड़े फैन हो आपके साथ साथ। मुझे भी यही लगता है कि डेफिनेटली मोहम्मद आमिर कैन बी दैट वन मैच विनर फॉर कराची किंग्स। ही हैज बीन इन द पास्ट, हैट्रिक भी उन्होंने ली हुई है पीएसएल में, और अभी भी मोस्ट डेफिनेटली ही हैज व्हाट इट टेक्स टू टेक विकेट्स, ही हैज व्हाट इट टेक्स टू एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन। सो मोस्ट डेफिनेटली मोहम्मद आमिर को मैं भी अच्छे से हैडी रेट करती हूँ। शौर्य कहते हैं मोहम्मद नबी इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, लेट्स सी हाउ मेनी विकेट्स दिस विकेट टेकिंग बॉलर कैन टेक। यस, वहाब रियाज ने बायो बबल प्रोटोकॉल तोड़ दिए, मोहम्मद अनस कहते हैं अरे ऐसा क्या हो गया। खबरें भी आप तक लेकर आएंगे हम, जितने भी हैपनिंग्स हो रहे हैं, जितनी भी बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी हैपनिंग्स होंगी एचबीएल पीएसएल सीजन 6 के अराउंड, वो हम आप लोगों तक हर हफ्ते लेकर आएंगे। वी गोना गेट यू ऑल द अपडेट्स, ऑल द हैपनिंग्स, ऑल द न्यूज, ऑल द गॉसिप दैट सराउंड्स द एचबीएल पीएसएल सीजन 6 एवरी वीक। अब हम आपको बताएंगे आपने ब्राइटो पेंट्स को फॉलो करना है फेसबुक पे, आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, आपने यूट्यूब पे फॉलो करना है, और हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि किस दिन हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा, किस दिन हम आपको हैपनिंग्स के बारे में बताएंगे, किस दिन हम आप लोगों के साथ कॉम्पिटिशन्स करेंगे, किस दिन हम फैंस के साथ कुछ एक्टिविटीज करेंगे। सो यस, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, आई प्रॉमिस यू गाइस। अब बात कर लेते हैं जल्दी से बड़े मैच की, बड़ी प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन टाइम बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन, आप लोगों के ख्याल से क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान जो आज मैच होगा उसमें कौन सी टीम जीतेगी, और आप लोगों को क्या लगता है कि वो टीम क्यों जीतेगी। अब मैंने आप लोगों को हेड टू हेड बता दी है कि क्वेटा ज्यादा सक्सेसफुल रहा है कंपेयर टू कराची। 7 बार क्वेटा ने मैच अपने नाम किया है, और कराची से सिर्फ 3 ही बार मैच अपने नाम किया है। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि हेड टू हेड इज नॉट सो मीनिंगफुल, एट लीस्ट दिस इज व्हाट आई फील। एंड मोस्ट डेफिनेटली कराची किंग्स के पास आज काफी ज्यादा एडवांटेजेस रहेंगे। सबसे पहले डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, विनिंग मोमेंटम के साथ, एक माइंड विनर्स माइंडसेट के साथ उतरेंगे मैच में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनको ये चीज फेवर करेगी। मेंटल स्ट्रेंथ हैव डिस्कस्ड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड मेनी क्रिकेटिंग लेजेंड्स, क्रिकेटिंग ग्रेट्स हैव आल्सो सेड के जो मेंटल स्ट्रेंथ है आपकी, मेंटल फिटनेस है, मेंटल टफनेस है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ यू परफॉर्म इन क्रिकेट। अगर आप एक जीत मोमेंटम, एक जीत के माइंड सेट के साथ आओगे, आपको पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगी। कराची किंग्स के पास एक वो एडवांटेज रहेगा। दूसरा एडवांटेज जो कराची किंग्स के पास रहेगा वो रहेगा होम ग्राउंड एडवांटेज। कराची में नेशनल स्टेडियम कराची में मैच होने वाला है, उनका घर है, यहाँ ही वो खेलते हैं, तो डेफिनेटली उनको ये वाला एडवांटेज भी रहेगा। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेरी प्रिडिक्शन यही है, बड़ी प्रिडिक्शन मेरी ये है कि कराची किंग्स आज मैच जीत जाएगी अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ऑड्स मे बी इन द फेवर ऑफ क्वेटा, बट आई फील Karachi Kings are going to win the first match of HBL PSL season 6. आप लोग अपनी predictions मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। अशोक, hello going out to you. Let me know what you guys, let me know your predictions, you guys. Let's make it interactive. I've told you मेरी prediction तो अक्सर सही नहीं होती, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन फिर भी ये है। मैंने आपको प्रिडिक्शन का रैशनल भी बताया, कराची किंग्स एक विनर्स मोमेंटम के साथ आ रहे होंगे, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, बड़े प्लेयर्स हैं कराची के पास, और साथ ही साथ होम ग्राउंड एडवांटेज भी रहेगा। क्वेटा के पास भी मोस्ट डेफिनेटली बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन मुझे शायद कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आज कराची किंग्स जीतेगी। आप लोगों को क्या लगता है कि पहला मैच एचबीएल पीएसएल का कौन जीतेगा? शोएब को लगता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीतेगी। अच्छा शोएब, आपको ऐसे क्यों लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीतेगी, ये भी बता दीजिए ना, ये लेट अस नो व्हाई यू थिंक क्वेटा विल बी सक्सेसफुल। जुबैर को भी लगता है कि क्वेटा जीतेगी, संजय को भी लगता है कि क्वेटा जीतेगी। अरे आप लोगों को क्यों लगता है क्वेटा जीतेगी, मतलब मैं शायद अकेली हूं जिसको कराची लग रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए व्हाई डू यू थिंक। ओके अशोक ऑल्सो, हाय फाइव अशोक, आई ऑल्सो थिंक कराची किंग्स इज गोइंग टू विन, बट अशोक व्हाई डू यू थिंक कराची विल विन, डू यू अग्री विद माई रीजनिंग or do you have another reason? Thank you you guys for all your comments, I do appreciate them all.
महेंद्र को भी लगता है कि कराची किंग्स जीतेगी, तो आई थिंक इवनली पॉइज्ड है जो मैंने आप लोगों से प्रिडिक्शन पूछी है ना, इंक्लूडिंग मी, अ कपल ऑफ पीपल थिंक दैट कराची किंग्स विल विन, येट वी हैव आई थिंक ऑलमोस्ट एन इक्वल नंबर ऑफ पीपल जिनको लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीतेगी. आई एम सपोर्टिंग कराची किंग्स सेज मोहम्मद अनस, बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत जाएगी बिकॉज क्वेटा का स्टार्ट हमेशा अच्छा रहता है. वेरी गुड पॉइंट मोहम्मद अनस, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का स्टार्ट बहुत कमाल रहता है, बहुत हमें लगता है कि यार क्वेटा बस इस साल भी जीत जाएगी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं क्वेटा बीच में आके ना जब बीच के मैच होते हैं आई डोंट नो क्या हो जाता है, बट यू आर सपोर्टिंग कराची किंग्स एंड आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग कराची किंग्स, आई एक्चुअली जस्ट वांट टू एंजॉय अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट. तो खालिद भाट, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, गुड टू सी यू. कैसे हैं आप, आपके ख्याल से कौन जीतने वाला है आज, कराची किंग्स या क्वेटा ग्लैडिएटर्स? बड़ी गेम की बड़ी प्रेडिक्शन है ये, विच इज पावर्ड बाय ब्राइट योर पेंट्स ऑफ कोर्स, और आपने मुझे बताना है इस बड़ी प्रेडिक्शन में कि कौन जीतेगा. अली हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? आमिर विल रॉक टुडे सेज महेंद्र. ओके लेट्स सी, आई आल्सो फील, लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स हु वी थिंक विल डू रियली वेल टुडे. मोहम्मद आमिर, आई थिंक बाबर आजम, आई थिंक क्रिस गेल, द यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, और आई जस्ट वांट हिम टू डू रियली वेल, एंड मोहम्मद हसनैन, मुझे लगता है कि ये चार प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे. मोहम्मद अनस कहते हैं क्वेटा का भी होम ग्राउंड कराची ही है, बिकॉज क्वेटा के बहुत प्लेयर्स कराची से हैं. मोहम्मद अनस अगेन, बड़े मजे की आपने एक बात बोली है. थैंक यू एवरीवन हु जॉइंड अस इन दिस ट्रांसमिशन, आप लोगों ने हमें रोज ज्वाइन करना है इस ट्रांसमिशन में, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे. आप लोग अपना फीडबैक दें हमें कि आप लोग किस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हैं इस लाइव ट्रांसमिशन में, इस लाइव ट्रांसमिशन का आप लोग हिस्सा बनना चाहते हैं, आप लोगों को भी हम इनवाइट कर सकते हैं कि आप लोग हमें ज्वाइन करें, वी कैन ऑल हैव अ ग्रेट डिस्कशन. जाहिद महमूद विल डू गुड टुडे, मोहम्मद अनस को लगता है ठीक है. जाहिद महमूद भी एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, खुशी होती है जब आप इन इमर्जिंग प्लेयर्स को या रिलेटिवली न्यूअर प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है. रियली वांट दिस यंग गन्स टू परफॉर्म एंड मेक द मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट पीएसएल प्रोवाइड्स देम विद. ठीक है गाइस, मैंने आप लोगों को अपनी बड़ी प्रेडिक्शन बता दी है, बड़े मैच की बड़ी प्रेडिक्शन मेरी ये है कि आज कराची किंग्स जीतेगी. आप लोगों में से कुछ लोगों की प्रेडिक्शन मेरे साथ मैच करती है, कुछ लोगों की प्रेडिक्शन मेरे से अलग है. नॉनदलेस लवली टॉकिंग टू यू गाइस, प्लीज डू ज्वाइन अस अगेन टुमारो On Brighter Paints YouTube page, On Brighter Paints Facebook profile, आप लोग कहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, Instagram पे भी फॉलो करें. Instagram पे हम आप लोगों को बिहाइंड द सीन्स लेकर जाएंगे, नेशनल स्टेडियम कराची लेकर जाएंगे, वहाँ ओपनिंग सेरेमनी, पहले मैच को लेकर जो भी एक्शन होगा आप लोगों को दिखाएंगे. तो अगर आपने अब तक Brighter Paints को फॉलो नहीं किया हुआ तो प्लीज फॉलो करें, किस चीज का इंतजार है. शौर्य कहते हैं बाबर Azam's Karachi Kings will win today because they're the defending champions. Let's see if the defending champions are able to win today's match, or let's see if Quetta is able to give Karachi Kings a tough time. कल जब हम आएंगे review करेंगे आज के match को और देखेंगे कि आप लोगों की prediction, मेरी prediction, किसकी prediction कितनी सही कितनी गलत साबित होती है. कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आप लोग अपना ख्याल रखें, हमें follow करते रहें, support करते रहें. Look after yourself, look after your loved ones. This is Bisma Ahmed for Brighter Paints. Badi game signing off. Goodbye.